पेट्रोल प्राइस 100 रुपीज तक पहुंच चुका है कर्नाटका में। ये जो प्राइस है पेट्रोल का, ये हमेशा हेडलाइंस में बना होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, कम तो होने का नाम नहीं दे रहा है। कितना टाइम हो गया सिर्फ पेट्रोल का प्राइस बढ़ते जा रहा है। पहले क्रूड ऑयल की जो रेट था वो ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा ही था, मतलब आपके हिसाब में अगर क्रूड ऑयल को कंपेयर करते हैं तो क्रूड ऑयल का रेट अभी थोड़ा कम है पहले के हिसाब में, बट पेट्रोल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल के प्राइस एक्चुअल में कितना है और उसके ऊपर टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना अप्लाई किया जा रहा है, और एक्चुअल पेट्रोल की प्राइस कितनी है, और जो है ना हम पेट्रोल का प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो की लास्ट में। एंड तक वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट बात करते हैं पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज होती कैसे है। एक्चुअली क्रूड ऑयल का जो रेट है, वो जो उसको कच्चा तेल हम बोल सकते हैं, उसकी रेट है 32 रुपीज से लेकर 33 रुपीज तक। इस क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट होने के लिए, बनाने के लिए जो टैक्स मिला के जो खर्चा होता है उसको भी होता है टोटल 36 रुपीज। इसका बेस प्राइस होता है पेट्रोल का। डीलर का कमीशन अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो 3.7 रुपीज अराउंड आता है। डीलर के कमीशन के साथ पेट्रोल की प्राइस अराउंड हमारी 40 रुपीज तक हो जाती है। फिर आते हैं उसके बाद सेंट्रल का टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 32 रुपीज से 33 रुपीज तक जो है ना पेट्रोल पे जो है ना टैक्सेस चार्ज करती है। अराउंड 25 to 26 रुपीज जो है ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट का पेट्रोल पे चार्ज कर रही है। इसको टोटल मिला के जो है ना हमारा जो पेट्रोल का प्राइस हो रहा है वो है पूरा 100 के अराउंड हो रहा है। बट एक्चुअल में पेट्रोल की प्राइस जो है ना इतनी कम है तो इतने टैक्सेस, मतलब आधे से ज्यादा जो है ना टैक्सेस ही पे कर रहे हैं हम पेट्रोल के पीछे। तो अब बात करते हैं पेट्रोल के प्राइस कम कैसे हो सकते हैं। अगर पेट्रोल को ये टैक्सेस अगर हटा के अगर हम जीएसटी में लाते हैं, जो कि 12% या फिर 18% या फिर 28% के हिसाब से अगर लाते हैं, तो पेट्रोल की प्राइस अराउंड आपको देखने को मिलेगी 65 to 70 रुपीज पर लीटर। अगर गवर्नमेंट जीएसटी लागू करती है पेट्रोल पे तो पेट्रोल का प्राइस सीधा सीधा नीचे चला जाएगा। और दूसरी चीज हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट जो है ना रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर टैक्स जो है ना एक लिमिट के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ये चीज अगर गवर्नमेंट फिक्स कर दे तो उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट आने दो, तो उसके बाद वो चीज उसके ऊपर एक्सेस वो लोग जा नहीं सकते। इतने लिमिट तक जो है ना टैक्सेस लगा सकते हैं। अगर ऐसा अगर एक कोई रूल छोटा मोटा बन जाए तो बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी।